हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? मैं रमेश बिरको अटालपुर आपके बीच एक शानदार एक्टिविटी शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि देश में चल रही इस महामारी को देखते हुए हम सभी बचाव के लिए घर के अंदर ही रहते हैं और आप सभी स्वस्थ होंगे, मुझे आशा है। इस घर के अंदर रहते हुए हम सभी अलग अलग मनोरंजन साधनों से मनोरंजन करते हैं पूरा दिन, टीवी के माध्यम से, अन्य गेमों के माध्यम से। एक मनोरंजन का साधन मैं आपके साथ ऐड कर लेता हूँ, जो आप घर के सदस्यों के साथ या अपने दोस्तों के साथ बाद में शेयर कर सकते हैं। तो हम बता देते हैं आपको, हम आज अल्फाबेट टी के बारे में एक एक्टिविटी करेंगे। इस टी के अपन चार टुकड़े करेंगे। इन चार टुकड़ों को वापस जोड़ने के लिए अपने दोस्तों को कहेंगे, तो इन चार टुकड़ों को दोस्त या अपने साथी या अपने परिवार सदस्य जोड़ने से असमर्थ रहेंगे, क्योंकि कारण है उसका। देखते हैं, मैं आपको ये टी के चार टुकड़े बता देता हूँ। ये टी अल्फाबेट के चार टुकड़े इस तरह से काटे हैं कि वो जोड़ना मुश्किल हो जाता है। मैं पक्का वादा करता हूँ आपसे, जब आप प्रथम बार अपने किसी साथी से ये चीज़ शेयर करेंगे तो ये टी बनना मुश्किल हो जाएगा। देखना, ट्राई कर लेना। आप तो पहले देख रहे हैं इसलिए आपको लगेगा कि बना सकते हैं, आसान नहीं है ये। तो मैं आपको बता दूं इसको टी कैसे जो बनाया जाता है इसका। सीधा सीधा सबसे पहले हम इस आकृति को यहाँ से इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड कर लिया यहाँ से, और इस लाइन को यहाँ से ऐड कर लिया, और इस लाइन को यहाँ से ऐड कर लिया। हो गया टी फॉर टाइगर। ओके, तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इसकी कटिंग होगी ये, पहला कट हम यहाँ से लगाएंगे, दूसरा कट हम यहाँ से लगाएंगे। कुल कितने खंड हो जाएंगे? चार। 1 2 3 4, कितने कटे? 4। देखते, पहला कट को ये पैक कर दिया, दूसरा, और ये तीसरी आकृति, और ये चौथी आकृति। तो इसी प्रकार हम अपना टी की कटिंग करेंगे और ये टी बन जाएगा। बहुत मज़ा आएगा जब अपने दोस्तों को बताएंगे आप, तो इसको, इस चैलेंज को वो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं खोने का भी ये कारण होता है, क्योंकि ये चीज़ को अपन हर चीज़ को सीधा सीधा करने जाते हैं, ये चीज़ सीधी सीधी नहीं होने वाली है। कभी कभी कोई चीज़ जैसे कहावत होती है कि सीधी उंगली से गिनने निकलो तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है, इसी प्रकार से आकृति को हम टेढ़ा जमाने के बाद ही ये जमता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।